हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज हफ्ते का पहला दिन था और निफ्टी में गजब की तेजी देखने को मिली। 300 पॉइंट के बढ़त के साथ निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ। ये निफ्टी इंडेक्स जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये जा रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी देखे तो यहाँ पर कुछ बेरिशनेस देखने को मिल रहा। तो अभी मंगलवार के दिन नेक्स्ट डे कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीकली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो अगर ये जो कैंडल बना था रेड कैंडल 13 मई का, तो वीकली एनालिसिस में हमने दो सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ किए थे। एक तो ये स्विंग लो जहाँ पर बना था 15,700 के आसपास, यहाँ पर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है ये 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अराउंड 15,400 के आसपास था। लेकिन ये टूटा नहीं, 700 का जो लेवल था ये टूटा नहीं, यहाँ से बाउंस बैक होते हुए नज़र आया। अभी जो न्यूज़ आ रही है, चाइना ने थोड़ा सा लॉकडाउन में रिलीव कर दिया है, तो यहाँ पर हो सकता है एक बाउंस बैक हमें आते हुआ देखने को मिले। अभी ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है, 50 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इसने क्रॉस कर दिया है। अभी जस्ट एक दिन हुआ इस हफ्ते का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये पिंक लाइन होगा जो कि अराउंड 16,883 यानी ऑलमोस्ट 900 के आसपास है। तो वीकली चार्ट में 900 का रेजिस्टेंस बन रहा है और नीचे ये 15,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से हमें ये लास्ट 2 वीक से एक बाउंस बैक होते हुए देखने को मिला। अभी डेली चार्ट पे अगर देखें तो फ्राइडे के दिन ये इस पिंक लाइन के आसपास आके रुक गया था जो कि 20 DMA का लाइन है। अभी आज के दिन जो 300 पॉइंट की बढ़त आई है, ये इसने एग्जैक्ट ये 50 DMA को अचीव कर लिया। आज का हाई देखे और 50 EMA का वैल्यू देखे तो 16,690 के पास ये 50 DMA था, तो एग्जैक्ट हाई के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। अगर ये ब्रेक होता है, 16,700 ब्रेक होता है, तो ऊपर में यहाँ पर देखिए 100 DMA 16,900 के पास आ रहा है जो कि ये ग्रे लाइन है। वीकली चार्ट में भी 20 EMA 16,900 के पास आ रहा था। तो अभी अगर 700 अगर ब्रेक होता है कंफर्टेबली तो 900 के पास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करे निफ्टी इंडेक्स तो ही हमें ये अपसाइड मूवमेंट जो आया है बाउंस बैक ये कंटिन्यू टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल्स है, इनके अकॉर्डिंग आप अपना ओवरनाइट पोजिशन बना सकते हैं। अभी इंट्राडे के लिए कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, तो अभी कल के लिए हमारा ब्रेकआउट होगा अराउंड 16,701, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 16,725 और सेकेंड टारगेट होगा 16,756, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ब्रेकडाउन लेवल होगा हमारा ये जो फर्स्ट आर का ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रे ग्रीन कैंडल बना है 16,606 पे ये आसपास क्लोज हुआ था, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा 16,577 और सेकेंड टारगेट होगा 16,549, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में अगर RSI को देखें तो ये ऑलरेडी फ्राइडे के दिन भी ओवरबॉट जोन में जा चुका था। 7200 ये ओवरबॉट जोन माना जाता है, तो सिग्नल होता है कि भाई यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है। तो आज के दिन जैसे निफ्टी आगे बढ़ रहा था उसी तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी में वो तेज़ी नहीं देखने को मिल रही थी। बैंक निफ्टी जहाँ पर ओपन हुआ था उसके नीचे आके क्लोज हुआ है। तो अभी कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा फ्राइडे के दिन का हाई यानी 35,668, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा 35,580 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,484, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी चला जाता है तो आज का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल 60 मिनट के चार्ट में ये अराउंड 36,015 के आसपास बन रहा है, तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 36,089 और सेकेंड टारगेट होगा 36,192, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।